बैरून सर्कुलर रोड का शुमार लाहौर शहर की अहम शाहराहों में होता है। रोज़ाना हज़ारों गाड़ियां इस सड़क से गुजरती हैं। हैवी ट्रैफिक रूट और एक अरसा से मेंटेनेंस के अमल से दूर रहने के बायस इस सड़क की सूरत हाल काबले रहम हो चुकी है। जगह जगह पड़े गहरे गड्ढे यहाँ के रिहायशियों और कारोबारी तबके के लिए नुकसान का बायस बनने के साथ साथ हज़ारों गाड़ियों को भी तबाह कर चुके हैं। गड्ढे पड़े हुए हैं बड़े बड़े, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, किसी को बहुत ऊपर किसी पर टायर चोटें लगती रहती हैं। हम तो कह के थक गए हैं, जो भी आता है हमारी समझ में आता है ना आदमी कि भाई इसको सीख करवाओ यार। कई दफा उन्होंने अपने खुद डाली मिट्टी डाली है, इसमें सिरमा डाला, मगर क्या करें, हैवी ट्रैफिक है, वो गुजरती है निकल जाती है। रोड की हालत जड़ी है काबिले तशवीश है, मतलब है खतरनाक है, टोए जंप बुरा हाल है। हल्का कोई बीमार आदमी मतलब इतों लंघ नहीं सकता, इन्ने टोए ने और इन्ने जंप ने बुरा हाल है। गंदा पानी है, बीमारियां फैल रही हैं, इतने गटर रुके रहते हैं। इस सड़क की तबाही में जगह जगह खड़े सीवरेज के गंदे पानी ने भी अहम किरदार अदा किया है। मकीनों का कहना है कि वो कई बार मुतल्लिका इंतजामिया से बात कर चुके हैं लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। ये हालत बड़ी देर तो इस तरह ही है, हर बंदे नु किया है, नाजम नु किया है, नायब नाजम नु किया है, सारे नु किया है, जिन्हें भी इंतजामिया ने इतने वो जेड़ा आंदा कहता जी साडा काम नहीं गा, ये फलाने का काम है जी, उन्होंने जा कहो कहते जी साडा काम नहीं गा, फलाने कहो इतने नमाजी गुजरते हैं, औरतें बच्चे पढ़ने जाते नाल स्कूल है बच्चों का, वो रोजाना कपड़े खराब होंगे घर वापस चले जाते हैं, लेकिन यदि कोई साड़ी सुनाई नहीं हो रही। दाता गंजबख्श टाउन इंतजामिया का कहना है कि सड़क तो उनके टाउन में आती है लेकिन इसकी तामीर और मरम्मत की जिम्मेदारी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रोड नसीम खान इस सड़क से ला ताल्लुकी का इजहार करते हुए इसकी जिम्मेदारी मुतलका टाउन पर ही डालते नजर आते हैं। इस मेन रोड की मौजूदा अबतर हालत बेशतर हादसात का बायस बन चुकी है और बन रही है। इंतजामी इदारों की इस रोड पर नजर ना पड़ना इंतजामी गफलत का वाज़ह सबूत है। कैमरामैन आदिल यासीन के साथ ब्रांड न्यूज़ 42 जमहूरिया बोलता।